स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर थर्ड हम पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ तक कर लिए थे हमने लास्ट क्लास में, आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। द कैपेसिटी ऑफ अ ड्रम इज 220 लीटर। एक ड्रम है जिसकी कैपेसिटी कितनी है 220 लीटर, मतलब उसके अंदर एक ड्रम के अंदर इतने लीटर वाटर आ सकता है, ऑयल आ सकता है। हाउ मच लीटर ऑयल कैन बी फिल्ड इन 340 सच ड्रम्स। तो कितने लीटर ऑयल जो है वो 340 ड्रम्स में आ सकता है। तो जैसे एक ड्रम की कैपेसिटी कितनी है, मतलब एक ड्रम के अंदर 220 लीटर वाटर आ सकता है, ऑयल आ सकता है। तो ये बोल रहा है कि 340 सच ड्रम्स, ऐसे ही 340 ड्रम्स में कितना ऑयल आएगा। तो सबसे पहले हमने लिख दिया द कैपेसिटी ऑफ अ ड्रम, एक ड्रम है जिसकी कैपेसिटी कितनी है 220 लीटर। देन कैपेसिटी ऑफ 340 सच ड्रम्स, तो 340 ड्रम्स की कैपेसिटी कितनी होगी, इसको इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जैसे मान लो एक आपके पास ड्रम है जिसकी कैपेसिटी 10 लीटर है, तो एक ड्रम में आप 10 लीटर वाटर स्टोर कर सकते हैं, तो आप 5 ड्रम में कितना करोगे, 50 लीटर। तो ऐसे ही 10 को 5 से हमने क्या करा, इनटू, एज इट इज़ यहाँ पर भी एक ड्रम की 220 है, तो 340 ड्रम्स में जितनी भी कैपेसिटी होगी इनको दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मैंने आपको पहले वाली क्लास में सिखाया था, तो ये आपको खुद सॉल्व करना है मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर सिक्स है द कॉस्ट ऑफ अ चेयर इज ₹678। एक चेयर है जिसकी कॉस्ट 678 रुपीज़ है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 296 सच चेयर्स। तो ऐसे ही 296 चेयर की कॉस्ट कितनी होगी, टोटल कॉस्ट कितनी होगी। द कॉस्ट ऑफ अ चेयर, एक चेयर की कॉस्ट दे रखी है 678। द कॉस्ट ऑफ 296 सच चेयर्स, तो ऐसे ही 296 चेयर की कॉस्ट फाइंड करने के लिए इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जैसे आप अपनी लाइफ के एग्जांपल ले सकते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे कि वन पेन की कॉस्ट हमने मान लिया 10 रुपीज़ है, जैसे यहाँ चेयर दे रखा है हमने, पेन की मान ली, वन पेन की कॉस्ट 10 रुपीज़ है। देन फाइव पेन की कितनी होगी, 5 पेन की कॉस्ट, 10 को 5 से इंटू कर दिया मतलब 50। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई जो था वो टोटल कॉस्ट आ गई, एज इट इज़ यहाँ पर भी इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ स्मॉल फील्ड देयर आर 525 प्लांट्स। एक छोटा सा फील्ड है जिसमें 525 प्लांट्स है, हाउ मेनी प्लांट्स विल बी इन 213 स्मॉल फील्ड्स। तो ऐसे ही 213 छोटे छोटे जो फील्ड है उसमें कितने प्लांट्स आ सकते हैं, एक फील्ड में कितने प्लांट आ रहे हैं 525, तो 213 फील्ड में कितने प्लांट्स आएंगे। तो इसके लिए भी हमने लेट करा, वन फील्ड में हमने मान लिया, जैसे एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं हम फ्लावर्स का, वन फील्ड में 10 फ्लावर है, तो 5 फील्ड में कितने फ्लावर होंगे, भाई वन फील्ड में 10 है तो 2 में 20 होंगे, 3 में 30 होंगे, तो एज इट इज़ 5 फील्ड में कितने हो जाएंगे, 50 टोटल मिला के। तो यहाँ पर भी इन दोनों का मतलब हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लीकेशन। एज इट इज़ यहाँ पर भी नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ स्मॉल फील्ड, एक छोटे से फील्ड में प्लांट्स कितने हैं 525, नंबर ऑफ प्लांट्स विल बी इन 213 स्मॉल फील्ड्स, तो 213 छोटे फील्ड्स में कितने प्लांट्स आएंगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, जो आपको खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर एट है हाउ मेनी बॉल्स कैन बी पैक्ड इन 634 बॉक्सेस। 634 बॉक्सेस में कितनी बॉल्स पैक हो सकती हैं, वाइल अ बॉक्स कैन होल्ड 408 बॉल्स इन इट। जबकि एक बॉक्स में कितनी, एक बॉक्स जो है वो कितनी बॉल रख सकता है, 408 बॉल्स उसकी कैपेसिटी है, वो इतनी रख सकता है। तो सबसे पहले एक बॉक्स में कितने बॉल आ रहे हैं 408। अ बॉक्स कैन होल्ड बॉल्स इन इट, मतलब एक जो बॉक्स है उसके अंदर कितनी बॉल रख सकते हैं 408। तो हमको कितने बॉक्सेस की फाइंड करनी है, 634 बॉक्सेस की। द नंबर ऑफ बॉल्स कैन बी पैक्ड इन 634 बॉक्सेस, तो 634 बॉक्सेस में कितनी बॉल्स पैक्ड हो सकती है, इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, जैसे हमने एक बॉक्स मान लिया, एक बॉक्स में अगर 10 बॉल आ रही है तो टू बॉक्स में कितनी आएंगी, वन और टू दोनों को मिला के 20, थ्री में कितनी आएगी 30, एज इट इज़ यहाँ पर भी, यहाँ पर इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन, जो आपको खुद करना है। यहाँ तक आपको क्वेश्चन खत्म कंप्लीट करने हैं और आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू।